मॉर्निंग टाइम ग्लोरी का मैं आपको एक एक्सपीरियंस बता रहा था कि वंस व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग इन बथरेत वैली, जो कि एक अनएक्सप्लोर्ड वैली है, उसमें एक बहुत ही खूबसूरत लेक है, गोलोगा लेक। तो उसके पीछे एक वाइट ग्लेशियर पड़ा हुआ है। जब हम सुबह उठे तो बहुत ही खूबसूरत व्यू था। तो लेक के जो मिरर था, जो बिल्कुल कूल एंड काम कंडीशन में जो हमें लेक का पानी नज़र आ रहा था, वो बिल्कुल एक मिरर की सूरत में नज़र आ रहा था। और उसमें जो वाइट ग्लेशियर का रिफ्लेक्शन आ रहा था, वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कि एक फेरी ने एक रोप पहना हुआ है। तो दैट वाज एन अनफॉरगेटेबल व्यू ऑफ माई लाइफ। जब भी आप ट्रैकिंग कर रहे हो, ख़ासकर आप लॉन्ग ट्रैक पर जाते हैं जिसमें 4 से 5 दिन इन्वॉल्व हों, या इससे ज़्यादा डेज हों, या 3 से 4 दिन हों, तो इस सिलसिले में आपको कुछ ज़रूरी काम इससे पहले करने होते हैं जिसके ऊपर आपका पूरा ट्रैक जो है वो डिपेंड करता है। एक तो सबसे पहले आपने उस इलाके का कंप्लीट मैप बनाना है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेनी है उस इलाके की। जाहिर है कि पूरे ट्रैक को जब आप प्लान करेंगे तभी आप सही तरीके से उस ट्रैक को जो है वो कर सकते हैं। फिर वहाँ जाने के बाद प्रॉपर इक्विपमेंट होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास हाई अल्टीट्यूड गेयर नहीं है, अगर आपके पास रेन जैकेट्स नहीं है, प्रॉपर ट्रैकिंग शूज़ नहीं है, तो फिर आपका ट्रैक आपके लिए एक हैवक क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए जब भी आप किसी ट्रैक पर जाएँ तो उससे पहले प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेकर जाएँ ताकि आप अपने ट्रैक को इन्जॉय कर सकें। हम जब भी किसी बड़े ट्रैक पर जाते हैं तो उसके लिए प्रॉपर फूड कैरेज करते हैं, प्रॉपर जो है वो प्लानिंग करते हैं, प्रॉपर मैपिंग की जाती है उसके लिए, कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन लेते हैं और फिर उस इलाके में जाते हैं। और जाहिर है इसके लिए फिर गूगल अर्थ के ऊपर हमें पूरे पूरे मैप्स बनाने पड़ते हैं, लोकल लोगों से इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है। तो इसके बाद फिर प्रॉपर ट्रैक को एग्जीक्यूट किया जाता है। ट्रैकिंग के दौरान जहाँ पर हम अपना फूड कैरी करते हैं, इसके साथ साथ हमें जो है मुख्तलिफ किस्म के वाइल्ड हर्ब और फ्रूट भी मिलते हैं, जिनको खाकर ना सिर्फ हम जो है वो अपनी एनर्जी बूस्टअप कर सकते हैं बल्कि साथ साथ ये बहुत टेस्टी भी होते हैं। और ऐसे टेस्टी जो फूड्स हैं या ऐसे टेस्टी हर्ब्स और फ्रूट जो हैं वो आपको और कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। तो इसमें मुख्तलिफ अल्पाइन फ्लावर्स भी शामिल हैं, बेरीज भी शामिल हैं, हर्ब्स भी शामिल हैं। तो जिस तरह के ये आप देख रहे हैं, अभी हम इस वाटरफॉल पे खड़े हैं और यहाँ पर ये वाइल्ड मिंट लगा हुआ है जिसको जंगली पुदीना कहते हैं। तो ये जंगली पुदीना जो है बहुत ही टेस्टी है, आम पुदीने के मुकाबले में इसका टेस्ट जो है वो कई गुना ज़्यादा बेहतर है। और इसको अगर आप जब खा लेंगे तो आपके मुँह से घंटों खुशबू आती रहेगी। तो आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करके ना सिर्फ अपनी एनर्जी बूस्टअप कर सकते हैं बल्कि ऐसी टेस्टी चीज़ें आपको और कहीं पर मिलेंगी भी नहीं। ज़्यादातर जो अनडिस्कवर्ड वाटरफॉल्स हैं वो आपको कोहिस्तान वादी पालस में मिलेंगी, जिसमें खलियार वाटरफॉल जो है वो तकरीबन पाकिस्तान की बड़ी वाटरफॉल्स में से है, लेकिन अभी तक वो अनडिस्कवर्ड है, वहाँ तक लोग पहुँचे नहीं। ये वाटरफॉल जो है वो मोड़ो पालस जाते हुए रास्ते में आती है। इसी तरह बरपारो में एक बहुत बड़ी वाटरफॉल मौजूद है जो मैंने डिस्कवर की और गूगल अर्थ के थ्रू मैप बनाकर मैं वहाँ तक पहुँचा। अभी भी मेरी विश लिस्ट में तकरीबन 100 के करीब वाटरफॉल मौजूद है जिनका मैंने प्लान बनाया हुआ है और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में वहाँ पर जाने की मेरी पूरी कोशिश है। और मेरी यही ख्वाहिश है और ये कोशिश है कि इन वाटरफॉल्स को मुतारिफ करवाया जाए और ताकि लोग भी यहां तक पहुंच सकें और इनको देख सकें। अपने 25 ईयर्स ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस के दौरान मैंने पाकिस्तान के तकरीबन हर पार्ट का विजिट किया है, जिसमें नॉर्थ से लेकर साउथ तक और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक बहुत से इलाके शामिल हैं। साउथ में अरेबियन सी से लेकर नॉर्थ में खुंजराब पास तक और इसी तरह ईस्ट में आज़ाद कश्मीर से लेकर वेस्ट में अफगानिस्तान के बॉर्डर तक बेशुमार इलाके देखे, डिस्कवर किए। और इस दौरान मैंने तकरीबन 400 प्लस जो हैं वो अनएक्सप्लोर्ड लेक्स भी डिस्कवर की जो अभी तक आम लोगों की नज़रों से ओझल हैं। और इसी तरह बेशुमार खूबसूरत वाटरफॉल जो जिनकी तादाद जो है वो 200 से ज़्यादा है, जो अभी तक जो है वो किसी भी बुक में या किसी भी किताब में उनका जिक्र नहीं है, वो मैंने इस अपने सफ़र के दौरान जो है वो डिस्कवर की। तो ये सारी चीज़ें इतनी ईजी नहीं थी अनडिस्कवर्ड प्लेसेस को जो है वो फाइंड करना और उनके राउट्स बनाना और उनको उन तक पहुंचना और उनके मैप्स बनाना, क्योंकि इनके मतलब कोई इन्फॉर्मेशन ही मौजूद नहीं थी और लोगों की जो बातें थी सुनी सुनाई उन्हीं के ऊपर हम ट्रैवल करते थे और बहुत ही अनफॉर्चुनेट डिफ़िकल्टीज़ का सामना करने पड़ता था इस सिलसिले में। तो अब मैं ख़ुद एक मैप डिज़ाइन कर रहा हूँ जिसमें पूरे पाकिस्तान के अनडिस्कवर्ड प्लेसेस के साथ साथ डिस्कवर्ड प्लेसेस भी मौजूद होंगे, इसमें लेक्स भी होंगी, वाटरफॉल्स होंगी, आर्कियोलॉजिकल साइट्स होंगी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इंशाल्लाह
ना सिर्फ पाकिस्तानी टूरिस्ट बल्कि फॉरेनर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। पर्सनली मैं प्रेफर करता हूँ बाइक पर ट्रैवल को। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप नेचर को फील करते हैं, आप पार्ट होते हैं नेचर का, तो इसमें आप जो है बहुत ही अपने आप को एट ईज फील करते हैं, पूरे जो नेचर है उसका आप एक हिस्सा बन जाते हैं। और इसी तरह इसकी एक्सेसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है और बासानी आप उन जगहों पर भी पहुँच सकते हैं जहाँ गाड़ी में पहुँचना मुश्किल होता है।